महामहिम 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 राज्यपाल जी आदरणीय श्रीमान आरिफ मोहम्मद खात साहब आदरणीय श्री प्रकाश जी किताब वाले प्रकाशन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित सज्जन माता भगिनी मराठी में एक पंक्ति है वार तुझिया तुझा सम कवि कधी कधी जन्मती यानी किसी ज्ञानवान कर्तृत्ववान कर्मशील ऐसे व्यक्ति को लेकर ये कहा गया कि तुम्हारी स्तुति करने के लिए तुम्हारे जैसे लोग कब जन्म लेंगे तो आज का योग बड़ा सुंदर है कि एक ज्ञान के उपासक के बारे में हमने दूसरे ज्ञान के उपासक के मुख से सुना इसमें मैं कहीं नहीं बैठता हूं लेकिन एक अधिकार तो जिस कुर्सी पर संघ ने मुझे बिठाया है उसके कारण है हर जगह जाना पड़ता है और समझ में आए ना मे बोलना पड़ता है लेकिन दूसरा एक अधिकार नहीं संघ के कार्यकर्ता के नाते अस्सी के दशक से उनका भी मेरा अच्छा परिचय है और स्वभाव से रंग हरिजी रंगा उनके पिताजी का नाम है हरिजी उनका नाम है कभी संघ में कभी कभी लोग उनको रंगा जी कहते थे तो वो बताते थे वो रंगा जी आएंगे नहीं वो ऊपर है अब जब उनके साथ आप रहेंगे प्रसंग नहीं है तो उनके पास इतना ज्ञान का भांडा रहे वगैरह ये आपको पता भी नहीं चलेगा सब आयु के व्यक्ति उनके चारों ओर बैठे रहते थे घंटों तक गपशप चल सकती तो इसका कारण हमारे जैसे लोग भी उनके आसपास मंडराते रहे हैं और हम स्नान करते हो न करते हो लेकिन वर्षा हुई और छाता नहीं है तो हम गीले होंगे ही उतना लाभ हमारा भी हुआ है तो उनके बारे में जो कहा गया वो अक्षरशाह सत्य है जीवन पूरा उनका स्वीकृत कार्य के लिए समर्पित और इसलिए सदैव कर्मशील रहते थे जीवन भर अभी तो बेडरिडन है ये स्थिति आने के पहले जो नींद का समय है रात का पांच घंटा छह घंटा ज्यादा से ज्यादा होता था उसको छोड़कर उन्होंने अपने बिस्तर को कभी स्पर्श नहीं किया ये उनकी आदत थी कि जब सोना है तभी बिस्तर पर बाकी समय बिस्तर पर बैठना नहीं बिस्तर को हाथ नहीं लगाना ताकि बिस्तर के संसर्ग से सोने की इच्छा ना हो ऐसे वो कर्मरत रहे और उनकी अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉलरली रिगर तो ये बीमारी की अवस्था जब बढ़ गई और उनका घूमना फिरना केरल के बाहर बंद हो गया उसके बाद उन्होंने लगभग दस पंद्रह पुस्तकें लिखी होगी सारे पुराने ग्रंथों महाभारत के एक एक पात्र पर उन्होंने पुस्तकें लिखी ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी उसका उन्होंने पढ़ा अध्ययन किया मराठी में कुछ महीने पहले उन्होंने वो पढ़कर उस पर अंग्रेजी में कॉमेंट्री लिखी और अभी यह पुस्तक लिखी ऐसी उनकी क्षमता भी है उनका ज्ञान भंडार है और इसलिए जिनके सानिध्य मात्र से हम लोग समृद्ध होते हैं ऐसे व्यक्तित्व तो में से वो एक है और किताब का उनका विषय जो है वो भारत का जैसे कहा गया भारत का एकमात्र आदर्श है भारत के अस्तित्व का एकमात्र प्रयोजन यही है भारत केवल दुनिया का सिरमौर देश बना तो उसमें कोई गौरव की बात भारत के लिए नहीं है दुनिया चाहे जय जयकार की करे भारत को दुनिया को यह सिखाना है विविधता में एकता नहीं भाई एकता की ही विविधता है क्योंकि हमारा राष्ट्र ही अस्तित्व में आया इस ज्ञान के साथ दुनिया में राष्ट्र कैसे बने अंग्रेजी में जिनको नेशन कहते हैं वो नेशन स्टेट है स्टेट है तब तक नेशन है स्टेट गया कि नेशन गया क्योंकि मनुष्य असुरक्षित है वैसे मनुष्य की अपनी कोई ताकत नहीं है एक छोटा सा कीड़ा भी मनुष्य को अपने दंशे से मार सकता है और मनुष्य के पास कुछ भी नाखून नहीं दांत नहीं कुछ नहीं इतना दुर्बल है तो जब वो विचार करने लगा समूह बनाए धीरे धीरे तब प्रगत हुआ लेकिन उसके पहले तो उसको एकत्र रहना ही पड़ता था दुनिया में सुरक्षा का उपाय एक ही है मिलकर करो तो उसने एकत्र आना शुरू किया लेकिन एकत्र आ तो सकते हैं एकत्र रहना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एकत्र आने से जैसे दोस्ती होती है वैसे झगड़ा भी एकत्र आने के कारण ही होता है जो लोग मिलेंगे नहीं वो कभी झगड़ा भी नहीं करेंगे जो मिलेंगे वही झगड़ा करेंगे और इसलिए मैं मेरा के चक्कर में मनुष्यों के झगड़े होते ही है बिना कारण पशुओं के झगड़े नहीं होते क्योंकि उनके मैं मेरे पर भी मर्यादा है उनका विचार इसका उपयोग करना नहीं जानता और नहीं चाहता उसके कारण मनुष्य उसका उपयोग करना चाहता है और जानता है तो झगड़ा करता है तो इसलिए पहले तो कोई आधार चाहिए जो समान हो जिसके कारण लोग मिल सके वो समान आधार तो लोगों ने मनुष्य निर्मित आधार खोजे हम एक क्यों हैं क्योंकि हमारी भाषा एक है जिसकी भाषा अलग है वो हमसे अलग है विविधता अलगाव का कारण बनती है टू बी डिफरेंट इज टू बी सेपरेट और टू बी वन यू हैव टू हैव ए यूनिफॉर्म देर इज नो यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी ऐसा मानकर दुनिया चली तो जिनको एक होना है उनको कुछ तो भी एक रखना है तो भाषा के आधार पर स्कॉटलैंड आयरलैंड वेल्स और इंग्लैंड चार अलग अलग राज्य थे देश थे लेकिन विदेश से आने वाले आक्रमक से संघर्ष हुआ वो आक्रमक और ये चार बहुत बहुत शतक लड़ते रहे उसमें से उनकी एक आसपास व्यवहार करने की गाली भी देना है तो भी समझ में आए तो भी मजा आता है इसलिए एक ही भाषा की होनी चाहिए तो एक भाषा बनी उनकी वो भाषा जब तक है तब तक वो एक है उसमें पतलापन आ गया तो यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड नहीं रह सकेगा अभी वहां देखते हैं स्कॉटलैंड लोग थोड़ा अलग अलग मांग रहे हैं। आर्थिक हित अमेरिका की एकता का आधार है जब तक वो सुरक्षित है इसलिए अमेरिका की सारी पॉलिसी अमेरिका के आर्थिक हितों की रक्षा करने वाली होती है अरब के बिखरे कभी को मोहम्मद साहब ने इकट्ठा किया एक रिलीजन दिया उसके आधार पर इकट्ठा किया ऐसे आधार अब ऐसे आधारों को सब लोगों ने मानना क्योंकि मनुष्य मुंडे मुंडे मतिर भिन्न इस प्रकार का है उसका अपना ही चलता है वो कोई ज्ञान है लेकिन ज्ञान से नहीं चलता वो अपनी लहर से चलता है मन से चलता है बुद्धि से नहीं चलता आज एयरपोर्ट से आ रहे थे तो वो बेल्ट है चलते चलते इस पीड़ भरा के चलना जिनको चलने में कष्ट होता है उनके लिए बेल्ट है वहां पे तो माता पिता बार बार कह रहे थे मत जाओ मत जाओ लेकिन एक छोटा बालक उस पर दौड़ता था आगे जाता था पार करता था फिर वो उल्टे चल के वापस आता था अब ये बचपन का स्वभाव नहीं रहता बड़े लोग भी ऐसा करते हैं बच्चों से ज्यादा करते तो उसके लिए कोई बंधन चाहिए तो वो बंधन है सत्ता एक सत्ता के आधार पर इस एक मानव निर्मित आधार को एकता का आधार बनाकर उससे एलिजियंस सबका कायम रखना ऐसे एक एक राष्ट्र उत्पन्न हुआ कुछ दिन रहा अब नहीं है कुछ आज चल रहे कल क्या होगा पता नहीं लेकिन हम है जो पहले से निकले और चले क्योंकि हम निकले ही दूसरी बार हम हमारे यहां हमारी मातृभूमि ऐसी है कि समृद्ध है सब प्रकार से और चारों ओर से सुरक्षित है उस समय तो अत्याधुनिक युद्ध का तंत्र था नहीं शस्त्रास्त्र थे नहीं तो हिंदू कुछ से आराकान तक पहली पहाड़ियों को कौन लांग कर आएगा यहां कोई आना ही नहीं किसी को सागर को कौन पार कर सकता है और इसलिए हम समृद्ध भी थे सुरक्षित भी थे हमको न अपने में झगड़ा करने की जरूरत पड़ी न बाहर से झगड़ा करने की जरूरत पड़ी और इसलिए हमने अपने दिमाग को अधिक सकारात्मक दिशा में लगाया ये हमारे मातृभूमि के उपकार है हम अपनी राष्ट्रीयता के घटकों में मातृभूमि को अनिवार्य घटक मानते हैं। पृथ्वी सूक्त में जगह जगह रिजन भी कहा है कि है तो वो सार्वभौम लेकिन उसमें वर्णन के बाद लगता है कि भारत की स्तुति है है वास्तव में तो एक ही समय वो राष्ट्रीय भी है और जागतिक भी है एक ही समय कैसे हो सकता है बाहर नहीं होता बाहर लोग राष्ट्र इस शब्द से डरते हैं नेशनलिज्म से डरते हैं क्योंकि वहां नेशनलिज्म का सबसे ताजा उदाहरण जो सबके याद में वो हिटलर का है इसलिए सब डरते हैं लेकिन हमारे यहां इसका कोई विरोध नहीं कारण ही यह है कि ऐसे सुरक्षित और समृद्ध होने के कारण हमको उस आधार का अनुभव हो गया जिसके आधार पर हम सब एक है हम एक है ये वस्तु स्थिति है हम भिन्न भिन्न है यह भास है जो बात बताई कि, कि कपड़े अब अलग अलग है तब तक राजा और सिपाही है कपड़े समान हो गए वो समान होते नहीं बात अलग है लेकिन अंदर तो आदमी एक ही है ये अंदर की बात हमने जानी और हमको ऐसा लगा इसका अर्थ यह हुआ कि सारा जगत अपना कुटुंब है भुवनत्र है हमारा स्वदेश है तो हमको यह जो बात प्राप्त हुई जिसमें सारी तृष्णा समाप्त तो होती है सुख का लाभ होता है शाश्वत सुख मिलता है यह इतना अच्छा जो हमको मिला है वो सब पूरी दुनिया हमारी है तो उनको यह बांटना है और बांटने के लिए इक्के दुक्के का काम नहीं इसके लिए एक बड़ा उद्यम करने वाला समूह चाहिए तो हमारे ऋषियों ने विचार पूर्वक तपस्या पूर्वक इस राष्ट्र का निर्माण किया भद्रमिच्छंत स्वरविदाह तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम विश्व के कल्याण की इच्छा करने वाले ऋषियों के दुर्धर तप से राष्ट्र बल और उत्पन्न हुआ वो दुर्धर तब क्या था तो उन्होंने ऐसा समाज उत्पन्न किया जिसने पहले अपनी भूमि के जो निसर्गत प्रकृति ने एक अलग भूमि बना दी सागर का और पर्वतों का कंपाउंड डाल के उसके चप्पे चप्पे में जाकर आखिरी आदमी तक यह ज्ञान पहुंचाया कितने लोग निकले होंगे कितना त्याग किया होगा एक जगह रहना नहीं सतत घूमते रहना ये सन्यासी नहीं थे केवल अपना गृहस्थ जीवन ही जिन्होंने घुमंतु बनाया ये सारे घुमंतु आज है जिनको बीच में अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया था अब धीरे धीरे उसके बाहर ला रहे निकल रहे उनको आप देखेंगे तो कोई फिजिकल कल्चर का प्रमोशन करते हैं समाज में कुछ लोग जड़ी बूटियों का ज्ञान उस समय का जो ज्ञान था उसको लेकर गए हमारे घर की दादी नानियों को उनके पास बटवा कैसे रहता है दवाइयों का उनका तो औपचारिक शिक्षा कुछ नहीं है परंपरा से है वो परंपरा उनके तक कैसी पहुंची इनके द्वारा पहुंची ये कितने वर्ष पूर्व ये उद्यम हुआ आपने देश में कि जो जो सुशिक्षित थे संपन्न थे वो ऐसे घुमंतु जीवन का वर्णन कर निकले और सारे समाज को शिक्षित किया और फिर इस बात को लेकर पूरी दुनिया में हमारे लोग गए मेक्सिको से साइबेरिया तक और ये ज्ञान पहुंचाया ये हमारे राष्ट्र का भूतकाल है और इसलिए आश्चर्य नहीं है कि जी ट्वेंटी जो मुख्यतः एक आर्थिक विचार करने वाली परिषद होती है उसको हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना देकर मानवों का विचार करने वाली परिषद बनाया यही होना था परिषद भारत में हुई इसका मतलब यही होना था क्योंकि ये हमारी प्रकृति है रंगारी जी के सानिध्य में मैंने कहा कि हम एनरिच होते ऐसा ही और एक अनुभव हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा उनके बारे में मेरा है मैं उनको बहुत बार मिला हूं तो उनके साथ भी बैठते थे तो हम समृद्ध होते थे तो पहली बार मैं गया मिलने के लिए तो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था हमको ये सूचना थी दस मिनट से ज्यादा नहीं बैठना लेकिन वो हम सवा घंटा बैठे वो उन्होंने है इसलिए बैठे लेकिन वो पहले तय हो गया और बाद में वो संसद में घर वापसी को लेकर बवाल हुआ उनका भी स्वास्थ्य गोबा हुआ एडमिट हुए हमको पता चला सारी अपॉइंटमेंट कैंसल्ड तो हमने ये पक्का करने के लिए फोन किया था हमको मालूम था कि हम फोन करेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं अब नहीं हो सकता आगे देखेंगे लेकिन हम हमारे लिए उन्होंने कहा नहीं वो आपकी अपॉइंटमेंट रखी है और फिर कहा कि दस एक मिनट मिल लीजिए तो हम गए तो सवा घंटा बैठे हमने बहुत तैयारी करके गए थे कि ये चल रहा है और सीधा हम पर ही उंगली उठ रही संग वालों पर तो हमसे तो पूछेंगे लेकिन उन्होंने हमको कहा कि अरे क्या हमको दुनिया बता रही विविधता में एकता क्या पुलर प्लुर, वगैरह वगैरह सारा लेक्चर है हमको बताने की आवश्यकता नहीं है भारत का संविधान ही ऐसा है सेक्युलर है फिर एक मिनट रुके केवल संविधान के कारण हम सेक्युलर नहीं है उस समय संविधान बन रहा था तो हमारे सारे जो बड़े लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया वो सब सेक्युलर स्वभाव के थे फिर एक मिनट रुके और फिर उन्होंने कहा कि केवल उस पीढ़ी से, से हमारे में नहीं आया है हमारी पांच हजार साल पुरानी संस्कृति ऐसी ही है ये ऐसी है तो दो बातें होनी चाहिए कि ये ऐसी है ये तो कहीं सुनी हो गई ये ऐसी है इसको हमको समझना पड़ेगा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमारे पास प्रचुर साहित्य हमारे सब तत्वज्ञान में निष्कर्ष यही है और इसलिए व्यवहार का निष्कर्ष भी वही बताया है कि एकांत में इसको जानो आत्म साधना करो और लोकांत में लोगों की सेवा परोपकार करते हुए जीवन को बिताओ कमाओ कितना यह तुम्हारा प्रश्न है लेकिन बांटो कितना यह तुम्हारा कर्तव्य है बांटने वाला बड़ा है कमाने वाले से बांटने वाला बड़ा है। सक्सेस नहीं मीनिंगफुलनेस सार्थकता यह होनी चाहिए यह सर्वत्र हमारे यहां जीवन का उपदेश वही है हमारे तत्व ज्ञान के निष्कर्ष वही है इसलिए भारतीय पंथ संप्रदायों के सभी साहित्य में यही बात सर्वत्र मिलती है लेकिन वो हमको जाननी चाहिए और मूल में जाकर जाननी चाहिए क्योंकि आपने गवर्नर साहब का भाषण सुना मैं बोल रहा हूं मेरा सुन रहे हैं आप ये सुन के मत मानना नहीं तो फिर वो होता है कि वो जाना में धर्मम नचमे प्रवृत्ति महाभारत में ऐसा एक भ्रम फैल जाता है निरुपद्र भी भ्रम है वो उसका नुकसान कुछ नहीं तत्व वही है गर्ग संहिता में हो या महाभारत में लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं ऐसे हम है इसके लिए सोर्स पे जाओ आजकल हम परसेप्शन और प्रचार पर जाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए वो सुने उसका विचार तो करना ही पड़ता है परंतु उसकी परीक्षा करनी चाहिए किस आधार पर बता रहे है? कौन सा मूल सोर्स है जिसका रेफरेंस दे रहे उसने कहां से लाया ऐसे जाते हैं तो मिलता है और आजकल आसान हो गया है क्योंकि गूगल बाबा है साथ में आप नेट पे जाएंगे तो बहुत सी बातें मिल जाएंगी लेकिन उसका भी सोर्स कौन सा है ये देखना चाहिए तो हमको ध्यान में आएगा तो इसलिए जो विनंती की आपको वो मैं भी करना चाहता हूं मेरा बिजनेस नहीं है पुस्तक प्रकाशन का फिर भी मैं कहता हूं कि खरीद कर इस किताब को पढ़ी हमारी ये भावना है सारी पृथ्वी एक है वसुधैव कुटुंबकम कुटुम्बकम यह करते आए पहले से और वो एक उच्च थियरी देने के लिए नहीं है वो एक फैक्ट है जो हमने अनुभव की है और उसका अनुभव जिनके पास है ऐसे लोग हमारे पास आज भी विद्यमान है ये थियरी नहीं है ये वस्तु स्थिति है और दूसरी बात है कि फिर वैसा व्यवहार करना वैसा व्यवहार करना इतने प्रकार है हमारे देश में वो सारे प्रकार आपस में न लड़े अपने देश को समर्थ बनाए उसका प्रयोजन है दुनिया को भी यह ज्ञान दे दुनिया को यह ज्ञान देने वाला भारत खड़ा हो उसके लिए आवश्यक जितना सामर्थ्य चाहिए होना चाहिए उसके लिए आवश्यक जितनी संपत्ति चाहिए होनी चाहिए सारी बातें होनी चाहिए लेकिन उसका प्रयोजन क्या है दुनिया को सिखाना हम सब एक है हम सब एक है ऐसा आचरण होना चाहिए वो आचरण कैसा होना चाहिए हमारे व्यवहार से देखो ऐसा कहते बनना चाहिए भारत के लोगों को यही हमको आदेश है ए तद सकाशाद अग्र स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेर पृथिव्याम सर्व मानव जगत के सारे मानवों को अपने जीवन से शिक्षा प्रदान करना ये भारत के उत्थान का प्रयोजन है उसके लिए हम तैयार होंगे तो जी जैसे जी लोग जीवन भर उनको ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी वो हमारे बौद्धिक प्रमुख थे उनका जो स्थान बना है वो बना है लेकिन खोज खोज कर ऐसी बातें वो लिखते हैं पुस्तकें लिखते हैं हमारी तत्वज्ञान की पुस्तकों में हमारे कथावांगमय में, में जो पात्र मिलते हैं उनके स्वभाव का विश्लेषण करते किस लिए तो ये हमारे लिए खुला है हम पढ़े हम भी सोचे निष्कर्ष निकाले उसको अपने स्वभाव में उतारे इसलिए तो अभी इतना परिश्रम उन्होंने किया वो लगभग रुग्ण शैया पर किया इसी एक अंदर की तड़पन से किया कि ये हमारे लोगों ने सीखना चाहिए ये हमारे देश में आना चाहिए एक समय था उसको हम भूल गए हम गिर गए हम फिर से उठ रहे तो ये जानने के लिए उठ रहे और ये सिखाने के लिए उठ रहे और इसलिए ये जानना चाहिए तो इस लेखन का अध्ययन करके हम ऐसे बने और सारे देशवासियों को ऐसा बनाएं ताकि जितनी विविधता अपने देश में है वो सारी विविधता अपनी मूल एकता को ध्यान में रखते हुए परस्पर व्यवहार का उत्तम आदर्श दुनिया के सामने रखेगी और संपूर्ण दुनिया को उस जो स्वयं विविधता भरी है ये सिखाएगी कि ये पृथ्वी माता है हम उसके पुत्र हैं हम उसके मालिक नहीं है ये प्रकृति माता है हम उसके मालिक नहीं है उसके अंग है ये हमको देती है हमको ये वापस करना है वापस करना है उसके लिए भक्ति प्रेम समर्पण त्याग ये सब होना चाहिए विकारों से मुक्ति होनी चाहिए जीवन को तमस से ज्योति की तरफ ले जाना चाहिए असत से सत की तरफ ले जाना चाहिए यह जीवन प्रवास मनुष्य का जीवन प्रवास है वो जीवन प्रवास कैसे करना वो हम अपने उदाहरण से सिखाएं ऐसा हम बने इसलिए इस पुस्तक को लिखा गया इसका ये प्रयोजन समझकर इस पुस्तक की उचित संभावना आप करेंगे ही ऐसा मुझे विश्वास है मुझे वास्तव में रंगाररी जी की विद्वत्ता के बारे में बोलने का अधिकार नहीं पृथ्वी सूक्त का विश्लेषण करने का भी मेरा अधिकार नहीं और गवर्नर साहब ने जो किया उसके ऊपर और मैं बोलूँ उनको 20 मिनट दिया मुझे 25 मिनट दिया ये उन पर अन्याय है और मेरे लिए कठिनाई पैदा करना फिर भी जो मेरे समझ में आया वो मैंने आपके सामने रखा उसका विचार आप करेंगे सुन आपने जितना शांति से लिया है उतना ही शांति से उसका विचार करेंगे ये आशा व्यक्त करता हूँ आपको धन्यवाद देता हुआ सबको नमस्कार करता हूँ मेरे तार समाप्त